हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू वुडन फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी एफआईआर कोई भी नोट नहीं कर रहा तो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी सहायता से आप अपनी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हो। मैं आपको आज की डिटेल वीडियो में यही सारी बातें बताने वाला हूं, एफआईआर को आप कैसे रजिस्टर करवा सकते हो और आपकी एफआईआर 100% रजिस्टर होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आएगी उसको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले दोस्तों, एफआईआर जो होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो सेक्शन 154 में बताई गई है। सेक्शन 154 में ये बताया गया है कि पुलिस वाले के पास अगर आप जाते हो कोई भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेकर तो वो आपकी एफआईआर नोट करेगा। लेकिन दोस्तों, ऑफेंस क्या होते हैं? ऑफेंस हमेशा दो तरह से हम जब एफआईआर की बात करते हैं तो मानते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमेशा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो एक तरह से सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होंगे उनमें पुलिस जो है तुरंत एफआईआर दर्ज करेगी और उस पर्सन को अरेस्ट करेगी। लेकिन जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस वाला जो है तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं करता, वो पहले रिपोर्ट जो है मैजिस्ट्रेट को भेजते हैं। सो दोस्तों, अगर आपका जो ऑफेंस है वो भी एक सीरियस नेचर के ऑफेंस में आता है या फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन जाकर, जो भी आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पड़ रहा हो, आप वहाँ पर जाकर जो है एफआईआर अपनी पुलिस को दे सकते हो। कोई भी वहाँ का एसएचओ होगा या फिर कोई भी इंस्पेक्टर होंगे, जो भी हाउस ऑफिसर होगा वहाँ के, आप उनको जो है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कह सकते हो। और ये पुलिस वाले की ड्यूटी बनती है, अगर आप उनको कोई इंफॉर्मेशन दो तो वो आपकी एफआईआर नोट करें। कई बार ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं कि जो पुलिस वाला है वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा होता। अब इस केस में क्या करना चाहे? सो दोस्तों, इस केस में आपने क्या करना है, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। ओके, चाहे आप प्रिंट फॉर्म में लिखें, चाहे आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखें, एप्लीकेशन लिखें। आपके जो भी कमिश्नर ऑफिस होगा या फिर एसएसपी का जो भी ऑफिस होगा आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके कहीं पे भी, तो आप उनको जो है बाय हैंड जो है एप्लीकेशन दे सकते हो जाकर, या फिर आप उनको बाय द पोस्ट भी जो है अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो कि आप जो है एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो। उस एप्लीकेशन में आप लिखिएगा आप एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो, मैं पुलिस के पास गया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, सो प्लीज़ इनिशिएटिव लिया जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब बात करते हैं एसएसपी के पास भी आपने एप्लीकेशन दे दी तो वहां पर भी ऐसे ही पड़ी रही, उन्होंने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया या फिर आप उनके एक्शन से संतुष्ट नहीं है, तब आप क्या करो? सो दोस्तों, लास्ट ऑप्शन है आपके पास कोर्ट में जाना, यानी कि सेक्शन 156(3) के तहत जो है आप कोर्ट में जाकर मैजिस्ट्रेट को कह सकते हैं कि आप जो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, सो आप प्लीज जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करने के लिए कहिए पुलिस वालों को। सो दोस्तों, मैंने आपको तीन रास्ते बताए। पहला रास्ता था कि आप अपने पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे जाकर अपनी इंफॉर्मेशन दीजिए उनको, वो आपकी एफआईआर ज़रूर नोट करेंगे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं करते तो दूसरा रास्ता मैंने आपको बताया था कि आप अपने जो भी नियर एसएसपी ऑफिस है उनको एक एप्लीकेशन दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं आप उनसे संतुष्ट हैं या फिर भी वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे, तब आप कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में जो है 156 की एप्लीकेशन मूव करें 3 की, तो वो कोर्ट जो है आपकी एफआईआर दर्ज जरूर करेगी। सो अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।